एक खाए गधा मार खाए जोल्हा, ये क्या मतलब हुआ? बंधुआ मजदूर है क्या बिहार की जनता? भ्रष्टाचार में लिप्त आपका विभाग, भ्रष्टाचार का गढ़ आपका विभाग, मेरे टैक्स के पैसे से वेतन दीजिएगा उन कर्मियों को और उसको सब चीज हम खाना परोस कर दे ही देंगे तो वो एंट्री करने में भी कुकर्म करता है। बिहार की जनता से भारतीय जनता पार्टी हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का बदला ले रही है। लोग चढ़ा हुआ है 170 को, रखवा है शून्य। कौन जवाब दे है? हम जवाब दे हैं। कौन है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर? उसको डिसमिस कीजिए। वही मकसद है नीतीश कुमार को बदनाम करा देना और लोकसभा चुनाव की खींच बिहार की जनता से ये निकाल रहे हैं। अस्पतालों में बेचारा भूखे प्यासे दिन दिन भर बैठा हुआ है, फिर मालूम होता है ये नहीं अब ये लेके आइए, ये नहीं अब ये लेके आइए, खतियान मिलता नहीं है, रिकॉर्ड रूम में मारामारी अलग मचा हुआ है। 5 से 10 वर्ष लगेगा अगर इसको सही ढंग से किया जाए। जो बुआ जो दादी कब की मर गई, अब उनके भाई बहन का हम ब्यौरा देंगे, अब वो सब हिस्सा मांगेगा तो क्या होगा? घर गृह युद्ध नहीं होगा? कोई देगा क्या? मुख्यमंत्री जी के साथ हम रहे हैं 18-19 साल, उनकी एक अलग कार्यशैली है, वो फ्री हैंड देते हैं, करो करो, अब तो सुधरोगे, अब तो सुधरोगे, अब तो तुमको दिखाई देगा कि गलती कहां है। जब आप नहीं मानिएगा, वे एक साथ में सीधे 100-200 कट। जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने तो कहा कि ये लूट का अड्डा था। जो भी तमाम सीओ हैं या तमाम संबंधित भूमि संबंधित जो अधिकारी हैं, वो लूट का अड्डा बनाए हुए थे। आपका खाता छूटा हुआ है, किसी में खाता है तो खेसरा छूटा हुआ है, किसी में खाता खेसरा दोनों है तो उसमें रकवा शून्य किया हुआ है, किसी में रकवा कुल लिखा हुआ है तो खाता खेसरा गायब है। ये सब चीज अगर सही है तो नाम ही गलत है। अब बताइए किस परिस्थिति में सर्वे। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार लैंड सर्वे जब से यह काम शुरू हुआ है तब से कई तरह के विवाद की खबरें सामने आई हैं। दावा यह है कि विवाद को सुलझा लिया जाएगा, लगातार इसको लेकर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं वो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अगर किसी अधिकारी ने गलत किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि बिहार सरकार के इस प्रयास पर सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो या अभी जो हमारे साथ मौजूद हैं अमित सिंह जी, वो सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या वाकई गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी? सीधे हम सवाल करते हैं अमित जी, आप जो लैंड सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं जी, कितनी अच्छी बात है। देखिए, जमीन को लेकर तो कई सालों से हम देखते रहे कि बिहार में एक छोटे से टुकड़े के लिए हत्या हो जाती थी, कोई किसी की जमीन कब्जा लेता था, मारपीट की नौबत आती थी, कोई अगर विवादित जमीन हो जाती थी कोर्ट में जाइए और कोर्ट में भाई 20 साल 25 साल ना जाने कितने साल। तो ये तो अच्छी पहल है ना बिहार सरकार की, अब उसमें आप लोग खामी ढूंढ रहे हैं सिर्फ विपक्ष में इसलिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए विपक्ष में है कौन क्या करता है मतलब नहीं है, हम आज तक वो नहीं किए हैं। अगर सत्ताधारी दल के एक मंत्री है नीतीश मिश्रा साहब, वो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं तो हम उनकी बड़ाई करते हैं, खुले मन से बड़ाई उनकी करते हैं, हम वो नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पे? लेकिन अब दिक्कत क्या है वो बताते हैं। ये जो लैंड सर्वे हो रहा है, अच्छी बात आपने कही कि हाँ एक पहल होना चाहिए, साफ सुथरा हो जाए, लेकिन इसका जन्मदाता कौन है? ये जो विवाद हुआ इसका जन्मदाता कौन है? आप जाइए, कई लोग हैं, लोग बताते हैं कि कर्मचारी को पैसा दीजिए या इनको दीजिए, इनकी जमीन उनके नाम पे, उनकी जमीन उनके नाम पे। कोई अच्छा फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा है? जमीन बेच दिया, म्यूटेशन भी दूसरे के नाम पे हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? कोई व्यक्ति जब सर्च करने जा रहा है तो वहां रिकॉर्ड नहीं है, ये कैसे हो रहा है? तो ये जो क्राइम हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो पहले तो भू राजस्व विभाग को अपने में सुधार करना होगा। नहीं, वो तो जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने तो कहा है कि ये लूट का अड्डा था। जो भी तमाम सीओ हैं या तमाम संबंधित भूमि संबंधित जो अधिकारी हैं, वो लूट का अड्डा बनाए हुए थे।
लेकिन लेकिन मेरे आने के बाद और लैंड सर्वे का जो प्रयास है, देखिए ये दावा बार बार भूमि सुधार राजस्व मंत्री के द्वारा ये किया जा रहा है कि मेरे आने के बाद मैं भ्रष्टाचार पे लगाम लगा दूंगा, और जब लगाम लगाने के लिए की एक कोशिश, और ये तभी होगा कि भाई जब सर्वे के आधार पे अमित झा को पता हो कि भाई मेरी जमीन कौन सी है, अमित सिंह को पता हो कि उनकी जमीन कौन सी है, और ये रिकॉर्ड अधिकार मतलब सरकार के पास हो, तो इसमें दिक्कत कहां आ रही है? आप लोगों को क्या खामी दिख रही है? बता रहे हैं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता था, चलिए स्वीकारे तो कि भ्रष्टाचार होता था, लेकिन सैकड़ों बरस का लगा हुआ दीमक, कोई जादू की छड़ी आपके पास नहीं है जो एक बार घुमाएंगे और समाप्त हो जाएगा। अब माननीय मंत्री जी के ही दो तीन बात, शायद वो धरातल पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो धरातल पर स्टडी नहीं कर रहे हैं। वो क्या बोले कि अगर आपके पास कोई कागजात नहीं है, हमने कर्मचारी को चार दिन पहले आदेश दे दिया है सर्वे वाले को कि अगर रसीद है ऑनलाइन उनका चढ़ा हुआ है तो जाकर सीधा रेखांकन करके उनका सर्वे में नाम डाल दीजिए। अब मजे की बात यहां जानिए क्या है, आपके पास रसीद है, जानते हैं क्या है रसीद में? मैं अपना भी प्रमाण दे दूं या किसी और का भी, रसीद अगर है तो किसी रसीद में आपका खाता छूटा हुआ है, किसी में खाता है तो खेसरा छूटा हुआ है, किसी में खाता खेसरा दोनों है तो उसमें रकवा शून्य किया हुआ है, किसी में रकवा कुल लिखा हुआ है तो खाता खेसरा गायब है, ये सब चीज अगर सही है तो नाम ही गलत है। अब बताइए किस परिस्थिति में सर्वे वाले चढ़ाएंगे? तो ये पब्लिक को धोखा दे रहे हैं मंत्री जी, आई बस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो पहले इसकी सुधार होनी चाहिए ना कि भाई अगर जितने लोगों का, पहले तो यही तय कर ले, कल एक डेटा दे रहे थे माननीय मंत्री जी, हम सुन रहे थे कि 72% जमीनों पे कोई विवाद नहीं है। मंत्री जी 100% जमीनों पे विवाद है, आपका विभाग उस पर क्लियर करके रख दिया है, क्रिएट कर दिया है विवाद। तो 70-72% जो जमीन आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन है, तो पहले जरा सा एक बार डेटा निकालकर चेक कर लीजिए ना, अगर नहीं चेक कर सकते हैं तो कहिए हम जैसे आम जनता को, हम आम जनता ही अपने आप को मानते हैं, आपके पास आ जाएंगे सैकड़ों रसीद वैसा लेकर जिसमें किसी में खाता गायब, किसी में खेसरा गायब, किसी में रकबा शून्य है, किसी का कुछ है, किसी का नाम गलत तो नाम सही तो पिता का नाम गलत, पिता का नाम सही तो उसका नाम गलत, मतलब उसको तो पहले सुधार लेते। अच्छा, ये कैसे होगा? ये तब होगा जब ये जो सर्वे की घोषणा और सर्वे के लिए यानन फानन में जो कनपट्टी में सिंदूर डालने के लिए सरकार तैयार है और माननीय मंत्री जी उसके संवाहक बन रहे हैं, तो पहले तो इनको यह आदेश देना चाहिए था कि जितना भी डिजिटलाइज हुआ है अभी तक का सर्वे, मतलब जो ऑनलाइन रसीद कटा है, रैयत का नाम जितने का है, उन सब में सुधार करो। परिमार्जन क्यों करेगा रैयत भाई? आपके पास डेटा है, आप चेक करवाइए ना अपने विभाग से कि किसका तुम नाम छोड़े हो गलत, किसका तुम ये गलत किए हो, रकवा किसका गलत किए हो, चौहद्दी किसका गलत किए हो, पहले आप अपने डेटा को सुधार लीजिए। तो आज बड़ी दंभ भर के कह सकते थे कि 70% डेटा को हमने 100% सुधार लिया है, अगर उसमें कहीं कोई मानवीय भूल रह गई है तो आप हमें सूचित कीजिए, वो 70% समाप्त, फिर आपको सर्वे के लिए माथा पच्ची 30% पे ही करना पड़ता। दूसरी बात जो आ रहा है कि अभी मंत्री जी एक और कल बड़ी पूरा एकदम ढोल बाजे के साथ प्रचारित करवा रहे हैं कि 16 करोड़ और कुछ चैनल्स पे भी, भाई हमको बड़ी विडंबना लगती है कि आप जनता के लिए जीते हैं, कोई भी टीवी न्यूज जो भी है, आप सरकार के कमियों को, जनता की बातों को वहां तक रखिए ना। 16 करोड़ ये को खतियान को ऑनलाइन कर दिया गया है, जमाबंदी को ऑनलाइन कर दिया गया है। अरे साहब एक बात जानते हैं, मैं आपको इसका डेटा दिखा सकता हूं, इस मोबाइल में है कि कितनी चतुराई से जो स्कैन किया है, आप जब स्कैन खोलेंगे ना, भू अभिलेख पे जाएंगे, खोलेंगे उसको, दिखेगा क्या? अगर अमित झा के नाम पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमित झा खाता नंबर इतना, ये इनका खतियान इनके नाम पे बना हुआ है, ऊपर से 5 प्लॉट 7 प्लॉट जितना उस पेज में आएगा उतना आपका है, और उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे ऐसा स्कैन करके दिया गया है कि सीधा लग रहा है कि तो मेरा ही प्लॉट है और वो दूसरे किसी का है, मर जाएगा खोजते खोजते खतियान। लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि तीन बार, जहां तक मेरी जानकारी है, कह रहे हैं कि तीन बार अगर आप संतुष्ट नहीं है, सरकार के सर्वेक्षण से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो तीन बार आपके पास अधिकार है कि आप आवेदन दे सकते हैं। दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, ये क्या मतलब हुआ? बंधुआ मजदूर है क्या बिहार की जनता? भ्रष्टाचार में लिप्त आपका विभाग,
भ्रष्टाचार का गढ़ आपका विभाग, आप खुद ग्रह, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ, मंत्री जी खुद कहते हैं। ये भी तो कह रहे हैं कि अगर कोई गलत करेगा तो उसे, अरे भाई गलत क्या करेगा, पूरा संपूर्ण का संपूर्ण सिस्टम आपका बर्बाद हो चुका है, पहले नीचे से सुधार कीजिए ना। जनता क्यों दौड़ेगी भाई, किसी को कुछ दिए हैं क्या, दो वक्त का रोजी रोटी दे रहे हैं क्या किसी को, खेती कर रहा है किसान, अब वो अपना खेत छोड़ के आपके हाथ तीन बार दौड़ लगा, जब गलती क्यों तीन बार सुधार, हम क्यों सुधार करेंगे, आप मेरे घर आइए। जब वोट लेना होता है तो जनता मालिक हो जाती है, और आज जनता नौकर है, क्या मतलब बनता है, कोई मतलब है इन चीजों का। पहले आप अपने रिकॉर्ड को सुधारिए, उसके बाद आप किसानों के घर घर जाइए, गांव गांव जाइए और उनसे पूछिए। अब देखिए, ये पिछली बार भी हम कहे थे, कहते हैं कि जाइए वर्तमान चौहद्दी लिख कर आइए, मतलब क्यों, तो अमीन किस लिए बहाल किए हैं 10,000 मेरे टैक्स के पैसे से, वेतन दीजिएगा उन कर्मियों को और उसको सब चीज हम खाना परोस कर दे ही देंगे, तो वो इंट्री करने में भी कुकर्म करता है, उसमें भी गलती करेगा, किस बात का अमीन, किस बात का इतना 10,000 अमीना कानून को और फलना और चिलना। मतलब आप कह रहे हैं कि मिला जुला की ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। पैसों की बर्बादी नहीं है, अब मूल बात पे आइए, हकीकत ये है ना कि बिहार की जनता से भारतीय जनता पार्टी हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का बदला ले रही है। नहीं, ये बड़ा आरोप लगा, नहीं हम बड़ी आरोप नहीं, हम पूर्ण आरोप लगा रहे हैं। आप इस तरह से जनता को प्रताड़ित कीजिएगा, पहले सर्वे हुआ था कोई वंशावली मांगा था क्या, हिस्सा दिलवा रहे हैं, घर घर में कलह करवाने के लिए आप तैयार हो गए हैं, आप घर घर को तोड़ने चले हैं, आपका रिकॉर्ड पूरा ये है, हमारा खुद का जमीन है भाई, रकवा लिख रहे हैं नाम सही फलना सही, रकवा शून्य, क्या मतलब है शून्य, प्लॉट चढ़ा हुआ है 170 गो, रकवा है शून्य, कौन जवाब दे है, हम जवाब दे हैं, कौन है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसको डिसमिस कीजिए, कौन एजेंसी आपका काम कर रही है। तो ये पुल मिला के दो ही मकसद है, नीतीश कुमार को बदनाम करा देना और लोकसभा चुनाव की खींच बिहार की जनता से ये निकाल रहे हैं, दौड़ाओ इन लोगों को खूब, क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है, मौका मत दो राजनीति के बारे में सोचने के लिए, समय मत दो, अरे भाई तो गरीबों का आप अन्न भी छीन रहे हैं, जाकर देखिए अंचलों में बेचारा भूखे प्यासे दिन दिन भर बैठा हुआ है, फिर मालूम होता है, ये नहीं अब ये लेके आइए, ये नहीं अब ये लेके आइए, खतियान मिलता नहीं है, रिकॉर्ड रूम में मारामारी अलग मचा हुआ है, ऑनलाइन कर दिए हैं आप, हकीकत है ऑनलाइन क्या, कि मंत्री जी जरा अपने अधिकारी को कहिए कि खोल के दिखाओ तो जी, पांच गो ऑप्शन रैंडम आप उठाइए और पांचों किसान का खतियान आप देखिए, अगर 100% सही मिल जाए, एक पेज उसका है तो दूसरा पेज उसका, उसके साथ आपका कहना है कि भ्रष्टाचार पहले भी था और अब भी है। भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी तो और भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार कर जाएगी। मंत्री जी कितने दिन आप कस्टोडियन रहेंगे, कोई गारंटी है, आज आप मंत्री हैं कल नहीं रहेंगे। नीतियां इसलिए नहीं बनाई जाती है जो माननीय मंत्री कहते हैं कि मैं बैठा हूं, कोई अधिकारी बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि एक ईमानदार व्यक्ति की तरह, और ईमानदार है भी, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं कि मैं बैठा हूं, अगर कोई गलत करेगा तो वो उसको बख्शेंगे नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप भारत सरकार के एम्प्लॉय हैं या बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, कि आप अगले 30 वर्षों तक उस पद पे रहेंगे। लेकिन पहल तो होनी चाहिए, पहल तो पहल ये पहल होनी चाहिए, उलझा देना है पूरे बिहार को, अरे पहल साफ सुथरा पहले अपने तरफ से आप कीजिए ना, पहले अपने आप को साफ सुथरा कर लीजिए, कहिए कि हाँ अब ये विभाग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, हर चीज डिजिटलाइज है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पागलों की भांति लोग दौड़ रहा है, कोई बेचारा कहीं है, कोई किसी प्रदेश में है, कोई किसी प्रदेश में, आप छोड़ छोड़ के काम आए, अब इनका 1.5 वर्ष, अगर 1.5 ही वर्ष सर्वे, 100 वर्ष का कोढ़ा 1.5 वर्ष में दूर करने चले हैं, ये हड़बड़ी में आप क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं, अरे धैर्य पूर्वक कीजिए ना, शांति से कीजिए ना, एक सिस्टम पहले वो बनाइए कि जिस जमीन की रजिस्ट्री होगी उस जमीन की पूरी तहकीकात के बाद ही उसकी रजिस्ट्री एग्जीक्यूट कराई जाएगी, पहले ये तय कीजिए। तब तो कई साल लग जाएंगे, तो करें ना कई साल, मतलब 1960 से शुरू हुआ जो आज तक पूरा नहीं हुआ, तो 100 वर्ष का कोढ़ा 1 वर्ष में 5 से 10 वर्ष लगेगा अगर इसको सही ढंग से किया जाए, तो पूरे बिहार की जनता को पागल बना देना है। तो फैक्ट यही है, सर्वे कराना इनका मकसद नहीं है, ये भी जान रहे हैं कि हम अगली बार सरकार में आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज जो सामने आ रही है वो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बिहार गृह युद्ध की ओर चला जाएगा, बिल्कुल, आखिर वो पीछे क्या कारण लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वंशावली में अब अपनी बहनों का भी जिक्र करना है, अगर आप वंशावली बना रहे हैं, अगर मैं बना रहा हूं, कौन बहने हैं,
वो जिक्र करना इसलिए आप लोगों को लगता है कि गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी? देखिए सिर्फ इसलिए नहीं लगता है क्या वंशावली देना है, आप इसकी बारीकी को समझिए। बहुतों परिवार ऐसे हैं जिनके परदादा या तो दादा के ही नाम पे जमाबंदी आज भी कायम है। हम लोगों के नाम पर बहुत कम ऐसे परिवार हैं जो इतने के, हम मेरे खुद के हैं, ठीक है आपके खुद के हैं, मेरे भी खुद के हैं। अब अगर हमको वो जमीन अपने नाम पर आज की तिथि में लाना है तो अब हमको दादाजी के समय से वंशावली देना होगा। अब दादाजी की कितनी बहने थी वो भी दर्शाना होगा, वो बहने तो स्वर्गवासी हो गई, अब उनका बेटा आएगा हिस्सा मांगने, उसको भी हिस्सा दे। जो जमीन कल 5 रुपए का था, 5,000 का था, आज 5 लाख का हो गया। दर्द वहां नहीं है, दर्द यहां ये है कि आज अगर अमित झा जी की बहन है उसको देना होगा, दे देंगे भाई ले लो चलो हटाओ। ऊपर से नीचे आ गया तो सरकार तय की थी क्या हर घर में खेत बेच के बेटियों की शादी कराई जाती है? नहीं जानते हैं बिहार में दहेज मुक्त प्रदेश है आपका क्या? नहीं जानते हैं कहां से दिया जाता है? तो उसका कोई बाप और भाई रिकॉर्ड रखे हुए है? और जो फुआ जो दादी कब की मर गई, अब उनके भाई बहन का हम ब्यौरा देंगे, अब वो सब हिस्सा मांगेगा तो क्या होगा? घर गृह युद्ध नहीं होगा, कोई देगा क्या? कोई देगा? कोई वर्तमान समय में खड़ा होकर हरिश्चंद्र कह दे कि हम दे देंगे तो उसके पास दू धूर जमीन बचेगा? अरे बिहार में है क्या सैकड़ों एकड़ का कोई किसान? आज बड़ी मुश्किल से 1-2 बीघा का किसान बचा है। अगर उसी में उसका इतना खंड खंड हो जाएगा तो मालूम होगा कि 2 धूर तक है भाड़ा में जाए जमीन। अच्छा एक नेता है बिहार में, हालांकि आप भी उनके नीतियों के विरोध में रहे हैं, राजनीतिक विरोध में रहते हैं, प्रशांत किशोर। बिल्कुल, वो भी लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि देखिए ये ताबूत की अंतिम कील जो है ना नीतीश कुमार ने मार ली है, ये जो आप कह रहे हैं कि फुआ का रिकॉर्ड, अब कोई उसका बेटा और ये जो गृह युद्ध वाली स्थिति होगी इसी से नीतीश कुमार की सरकार चली जाएगी? नहीं नहीं, नीतीश कुमार की तो सरकार नहीं जाएगी। इतना आप स्पष्ट मानिए, देखिए आप विरोध में नहीं, आपका नहीं, 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 हम विरोध में, देखिए हम पहले बता चुके हैं कि हम विरोध बड़ी कायदे से करते हैं, जो है सच उस पे करेंगे। ये नहीं कि हम विरोध में है तो हर अच्छे काम को लिए गाली ही दें, वो पैटर्न नहीं है, हमें किस भी सदी में जीते हैं। नीतीश कुमार जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार ने 2 बातें कही थी, मैं बड़ी प्रखरता से मुखरता से इस बात को कहता हूं और उनके भी दल के लोगों को यह बताना चाहिए क्योंकि अब वो गठबंधन में है तो हो सके क्या मजबूरी है, हम बता चुके हैं। वो उनकी इच्छा थी कि बिहार में लैंड सर्वे हो जिसके कारण जो जमीन से संबंधित विवादें हत्याएं क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो समाप्त हो, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा था कि आप घर घर में विवाद करा दो। लेकिन तो ये देखिए ठीक है, ये अगर मान लीजिए विभागीय मंत्री का फैसला है तो बस अब वही आगे आप कहने जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो उसकी समीक्षा करवा सकते हैं, पूरे लैंड सर्वे की समीक्षा करवा सकते हैं, जो जो नियम है उसकी समीक्षा करवा सकते हैं या उसे तत्काल प्रभाव से रोक सकते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी आप कैसे कह सकते हैं, जल्दीबाजी होगी ना। अभी 1 महीना चला है, मुख्यमंत्री के पास 1 नहीं बल्कि 32 विभाग है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अमित जी, आज के डेट में बिहार लैंड सर्वे आज के डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा इसको लेकर लोग जिज्ञासित हैं कि भाई मेरी जमीन मेरे पास है, रहेगी या नहीं रहेगी, क्या ये सरकार के पास चली जाएगी या कोई दूसरा हथियार लेगा, और सबसे ज्यादा चर्चा बिहार लैंड सर्वे को लेकर। एक बात और बता दें कि आपके हमारे लिए एक ट्रेंडिंग मुद्दा लैंड सर्वे हो गया, लेकिन बिहार में बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा है। अब बता देते हैं, इस मुख्यमंत्री की निगाह वहां तक नहीं जाएगी यह असंभव है। इस विभाग में जब जब ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो महागठबंधन के साथ रहे हो चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, रद्द हुआ है ना, बैक किए हैं मुख्यमंत्री ना। आगे आशा रखे बिहार की जनता, इतना हम आश्वस्त जरूर करना चाहेंगे कि ये इनकी कार्यशैली वो देखना चाहते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम रहे हैं 18-19 साल, उनकी एक अलग कार्यशैली है, वो फ्री हैंड देते हैं, करो करो, अब तो सुधरोगे, अब तो सुधरोगे, अब तो तुमको दिखाई देगा कि गलती कहां है। जब आप नहीं मानिएगा, वे एक साथ में सीधे 100-200 कट आउट, वो सुपरविजन नहीं करते हैं, वो उसमें अमेंडमेंट नहीं करते हैं, सीधा हटाओ, जरूरत नहीं है।
तो वो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक एक एक बात का इनपुट है, जिस दिन लग जाएगा कि अब ये माननीय मंत्री से सुधरने वाला नहीं है, जाना चाहिए ई एक तरफ तो हमेशा ही बी के रास्ते चल रहे हैं, उसी दिन ये लैंड सर्वे बंद हो जाएगा। आइदर बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा, इसमें आमूल चूल परिवर्तन करके और उसकी लंबी तिथि निर्धारित करके और उसको कराई जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि जिस स्थिति से अभी फिलहाल चल रहा है उस स्थिति से गृह युद्ध की स्थिति बिहार में बन रही है? हाँ। और गृह युद्ध बन आम पब्लिक के लिए गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल मतलब दुश्मनी निकाल रही है बिहार के लोगों के साथ, ये हम पुख्ते तौर पर कह सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के वोट से कहां 39 सांसद कहां कितने थे, दम्भ भर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी विधानसभा के चुनाव बना दिए थे, कहां नहीं घूमे, अब मिला 12 सांसद, तो सब खींच रहेगा ना। चलिए ठीक है, आप क्या सोचते हैं? देखिए लैंड सर्वे को लेकर हमारे चैनल पे लोग लगातार आते रहते हैं और वो स्पेशली कई दिनों से ये कह रहे थे कि जिनके साथ मैं अभी बैठा हुआ हूँ क्योंकि इनकी बातें बिहार की जनता को पसंद आती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप क्या नीतीश कुमार से चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं लैंड सर्वे जारी रहे कुछ नियमों में बदलाव करके या तत्काल प्रभाव से इसे रोक दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी बातें सरकार तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।